2018 को, यानी इससे पहले की बात है, इसमें एक माजी यासीन हफीज के यासीन के बेटे के बेटे हफीज जी, उसके पिताजी यासीन ने, इन दोनों के जो इलिसिट रिलेशनशिप की वजह से हफीज की मर्डर हुआ, यही है जो ब्रीफ लिखा गया। घर से साथ लेके आते, अच्छा घर से साथ लेके गए, घर से लंबा चौड़ा घर है, मेन गेट से जहाँ से वो निकला उससे 10 कदम मार दिया था, ये पहले से तैयारी में था कि आज सरसावा चले, उसके साथ बैठ के यही गया। पहले पहले गोली मारा, उसके बाद सर पहले गोली मारी पीछे से, और फिर जब हाथ पहले टूटा था, हाथ पहले ही टूट रहा था जी। सर किस चीज़ का किया है खुलासा? खुलासा सर किस चीज़ का किया है? हाँ, एक नफीस नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था 13 तारीख, उसका खुलासा संबंधित थाने के द्वारा किया गया है, जिसमें एक 13 तारीख को नफीस की डेड बॉडी मिली थी, जिसपे गोली का मतलब बुलेट इंजरी भी था और गला भी रखा गया था। इसी क्रम में उनके पिताजी के तहरीर पे FIR लिखा गया है, उसमें अलग से टीम SPRA के द्वारा और गठित करके विवेचना आगे बढ़ाया गया है, जिसमें लाइट में आए हैं कि एक शमशाद और जो मृतक की पत्नी खुद इस मर्डर में इन्वॉल्व, इन दोनों की पहले से, ये जो मृतक और जो शमशाद दोनों पहले से रिश्तेदार थे, उन्हीं के घर पे पला बढ़ा है, बाद में इनके भाभी के साथ यानी नफीस की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो गया, संबंध के चलते नफीस को ये मर्डर करना चाहे, और प्री प्लान्ड तरीके से इनको कहीं ले गए हैं और वहाँ पहले गोली मारा गया, बाद में इनका गला रखा गया, ये मर्डर की खुलासा हुआ है, और मर्डर पे इस्तेमाल किया गया वेपन भी बरामद हुआ है, दोनों मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं और इनको न्यायिक हिरासत में ले गए। Thank you.